स्किन्स होती हैं, स्किन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर ड्राई हम लोग की स्किन मतलब डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो जैसे ही हम लोग पानी उस पर पड़ता है तो वो क्या करती है, अब्जॉर्ब करने लगती है। तो हेलो स्विमर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो बहुत लोग स्विमिंग करते हैं और ड्राइनेस और टैनिंग वगैरह आती है, तो उसको कैसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं। हालांकि टैनिंग जो होती है उसको आप कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग अगर कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसको हम लोग बहुत ही मिनिमम कर देंगे। और उसके लिए क्या क्या मैं फॉलो करता हूँ वो मैं शेयर करूँगा, एंड इफ़ेक्ट किस तरह होता है, टैनिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है, और शावर लेने का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो उस सब चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जो स्विमिंग होती है आप लोग को पता ही होगा, जो लोग स्विमिंग कर रहे होंगे, ये काफ़ी फ़न एक्टिविटी भी होती है, एंड इसके साथ हम लोग की प्रॉपर फुल बॉडी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है इसमें, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग देखते होंगे, हम में से कई लोग स्विमिंग जैसे ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से गायब हो जाते हैं। तो उनका मेन रीज़न ज़्यादातर ये होता है कि वो टैनिंग आ जाती है उनके स्किन पे, या स्किन ड्राई होने लगती है, तो वो लोग उसके डर से स्विमिंग छोड़ देते हैं। तो देखिए, वो जैसे अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आप स्विमिंग पूरी कंप्लीट करिए, टैनिंग और इस ड्राइनेस जो स्किन होती है इस चीज़ के पीछे मत पड़िए, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी है, लाइफ सेविंग स्किल है, तो इसको आप सीख लीजिए, क्योंकि टैनिंग और ड्राइनेस है ये तो टेम्प्रोरी है, ये तो अपने आप रिमूव चला जाएगा कुछ दिन में। लेकिन जैसे स्विमिंग अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो वो क्या होगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, और ये एक तरीके से आपकी लाइफ भी सेव कर सकता है। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, जो टैनिंग का इफ़ेक्ट है उसको कम से कम कर सकें, एंड जो ड्राई स्किन होती है उसको भी बचा सकें। तो देखिए, जो स्विमिंग पूल होता है उसमें क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब क्लोरीन का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। वो इसलिए हाई होता है क्योंकि देखिए, ये एक रुका हुआ पानी होता है, स्विमिंग पूल का पानी, और इसमें जैसे ये ओपन भी है आप देख रहे होंगे, तो ओपन पूल और रुका हुआ पानी जो होता है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और एल्गी जल्दी बनते हैं, तो इसमें क्लोरीन इसलिए डाला जाता है ताकि जो बैक्टीरिया और जो एल्गी हैं वो बनने ही ना पाए इसमें, तो इसलिए इसमें क्लोरीन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्लोरीन का जो परसेंटेज होता है ये आपके स्किन को भी डैमेज करता है, एक मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो इतना करेगा कि जैसे आपकी स्किन जो आप स्विमिंग पूल आने से पहले जब देखते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन डार्क नहीं होगी, लेकिन जैसे आप स्विमिंग कर रहे होंगे फिर 2 या 3 दिन बाद से ही उसमें डार्कनेस आने लगती है, मतलब टैनिंग आने लगती है। तो वो इसीलिए होता है कि जो क्लोरीन होता है ना, जैसे बैक्टीरिया उसने एल्गी तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो आपके स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको भी वो डैमेज करता है, एंड जब वो डैमेज हो जाती है तब उसका इफ़ेक्ट आपके स्किन पे पड़ता है। तो इसीलिए जो क्लोरीन वाटर होता है उसमें हम लोग की स्किन इस तरह से टैनिंग और ड्राइनेस उसमें आ जाती है। और जैसे ये स्किन जो मैंने बताया ना कि जो ऑयली लेयर ऑयल के जो लेयर की स्किन होती है, जैसे वो डैमेज हो गई, और जैसे ये ओपन वाटर पूल है तो उसमें क्या होता है, सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जब सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो क्या होता है, तुरंत ही वो टैनिंग में कन्वर्ट होने लगता है, तो वहाँ पर टैन होने लगता है, और जो सेल्स जो आपके स्किन की सेल्स हैं वो भी बर्न मतलब एक तरीके से डेड हो जाती हैं, डेड होने के बाद वो टैनिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बेसिक जो है वो है कि आप जब भी स्विमिंग पूल में आएँ तो स्विमिंग पूल में इंटर करने से पहले हमेशा शावर ले लें, अच्छे से शावर ले लें, ताकि जो आपकी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे, हाइड्रेटेड रहेगी, क्योंकि देखिए जो स्किन्स होती हैं, स्किन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर ड्राई हम लोग की स्किन मतलब डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो जैसे ही हम लोग पानी उस पर पड़ता है तो वो क्या करती है, अब्जॉर्ब करने लगती है। तो अगर वही चीज़ अगर आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है और आप स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं तो जो क्लोरीन का पानी होता है उसको वो अब्जॉर्ब करने लगेगी, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो भी डैमेज करने लगे, वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, ठीक। तो उस वो एब्जॉर्ब ना करने पाए इसीलिए हम लोग शावर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से आप लोग शावर लीजिए ताकि आपकी स्किन एक बार हाइड्रेटेड हो जाए। जब हाइड्रेटेड हो जाएगी तो फिर जो क्लोरीन का पानी होता है वो स्किन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप ऐसा समझिए जैसे आपको प्यास लगी है, आपने पानी अच्छे अमाउंट में पी लिया, उसके बाद आपको कोई कोल्ड ड्रिंक देगा कुछ देगा तो भी आप मतलब नहीं पी पाएंगे, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो फुल हो जाता है। तो सेम उसी तरह आओ, जैसे आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है और इसको हाइड्रेटेड रहना है तो क्या करेगा, जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन वाटर मिला तो क्लोरीन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे स्किन डैमेज होगी, अगर क्लोरीन वाटर नहीं, अगर आपने पहले शावर अच्छे से ले लिया तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड क्लोरीन वाले वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उससे आपकी स्किन बच जाएगी। एंड जो सेकेंड मेथड है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, काफ़ी क्योंकि आप देखते होंगे मैं हमेशा सन मतलब इसी रोशनी में मतलब एकदम दिन में 11 या 12
बजे के अराउंड ही मैं यहाँ इधर आता हूँ और अपने वीडियो को शूट करता हूँ, और सन रेज़ काफ़ी ज़्यादा इस एकदम डायरेक्ट पड़ती है स्किन पे, तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ। सनस्क्रीन कौन सी, जिसका जो SPF होता है वो 50 या 60 हो, ठीक 50 या 60, SPF मतलब क्या, सन प्रोटेक्टिव और फैक्टर जो होता है वो 50 या 60 अबव रहेगा तो सबसे बेस्ट है, आप उसको यूज़ करिए। उससे उसको यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपके स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, बहुत ही थिक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो उस पर क्लोरीन, ठीक है, सन रेज इसका इफेक्ट पड़ता भी है तो बहुत ही मतलब एकदम कम फ्रैक्शंस में हो जाता है, मतलब एकदम माइन्यूट जिसको कहते हैं उसमें आ जाता है, तो वो उतना डैमेज नहीं कर पाता आपकी स्किन को। हाल ठीक है, तो आप सनस्क्रीन यूज़ करिएगा स्विमिंग पूल में उतरने से पहले, वो कौन सी, वो भी वाटरप्रूफ वाली, वाटरप्रूफ की कौन सी, जो आप स्क्रीन पे इधर देख रहे होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। तो और उसको लगाने पे क्या होता है, जैसे ये वाली जो सनस्क्रीन बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, तो इसको जब आप लगाएंगे तो पहले तो आपका फेस एकदम वाइट हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर तक वाइट रहेगा, मतलब कुछ देर क्या 5 to 10 लेस देन 5 मिनट के अराउंड वो वाइट रहेगा, एंड उसी में वो नॉर्मल आपके स्किन के ऊपर एक लेयर बना देगा और शाइनिंग लेयर टाइप की थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, जैसे मैंने लगाया तो मेरा फेस एकदम वाइट हो गया कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल सही हो गया। और एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं कि जैसे आप लोग ये अपर ले सकते हैं, अपर लेंगे तो आपका देखिए लगभग बॉडी कवर हो जाती है, सिर्फ हैंड का पोर्शन और ये नेक वाला पार्ट और फेस, और लेग की तो उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर मतलब बॉयज़ में तो नहीं होती, गर्ल्स का मुझे नहीं पता, अगर गर्ल्स लेग को भी प्रोटेक्ट करना है तो भी वहाँ पे भी आप सनस्क्रीन लगा लीजिएगा, तो इतना पार्ट जैसे आप लोग कवर हो जाता है, फिर जो पार्ट ओपन है उस पे आप सनस्क्रीन लगाइए, अच्छे से लगाइए, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी अच्छे से लगा के आप पहले 5-10 मिनट मतलब रेडी करिए अपने स्किन को, उसके बाद पूल में उतरेंगे तो बहुत ही आराम से आपकी स्किन बच जाएगी। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्किन पे आपके टैनिंग नहीं आएगी, लेकिन वो टैनिंग, उस टैनिंग का रेट काफ़ी कम हो जाएगा आना तो, और फिर जैसे आप स्विमिंग सीख जाएंगे, फिर जैसे विंटर आ जाएगा तो विंटर के जैसे विंटर स्टार्ट होगा, फिर एक ही महीने के अंदर आपकी टैनिंग मतलब एकदम रिमूव हो जाएगी एंड वापस से आपका स्किन कलर वापस आ जाएगा। तो टैनिंग से डरना एकदम नहीं है कि टैनिंग हो रही है तो स्विमिंग करें कि ना करें, स्विमिंग अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो स्विमिंग को पूरा ही कंप्लीट करके कोर्स उसके बाद जाइएगा यहाँ से। एंड इसके जैसे स्विमिंग आपने कर लिया, स्विमिंग के बाद क्या करना है, जैसे घर गए आप तो फिर जो मॉइस्चराइज़र होता है आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र क्या करता है, जो आपकी स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। तो जैसे मैंने हाइड्रेटेड हाइड्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया स्किन वाला, तो वो जब पहले ही से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो भी आप शावर लेकर आराम से पानी में उतरेंगे तो फिर क्लोरीन का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा एंड आपकी स्किन बच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिएगा जो, क्योंकि यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ और मुझे तो काफ़ी इफेक्ट दिखा। हालांकि टैनिंग तब भी आई है, ऐसा एकदम नहीं है कि एकदम ख़त्म हो गई, टैनिंग तब भी आई है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट हो गया उस टैनिंग का। तो आप लोग ये यूज़ करिएगा एंड बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा रहा इसका, और भी कुछ कमेंट होगा तो आप मतलब कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।